हेलो गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिलाल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हाजिर हूँ ना मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अमेजिंग ऐप, जो कि आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि आप कहेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया इस ऐप के बारे में। तो गाइस, सच बताऊँ तो मुझे भी अभी अभी पता चला है। तो गाइस, चलिए मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ ऐप। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद अपने घंटी के निशान को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइस, आपको ऐप का लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले यहाँ पे कोई भी आप अगर आप मेरी वीडियो ऑन करेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा ऐप लिंक। आपने वहाँ से इसको जाके डाउनलोड कर लेना है। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ उस ऐप के बारे में। और गाइस, वो ऐप है शेडो नेम का। जी, अभी एक इसको साइड पे कर देते हैं ये। और इसे गाइस, इस ऐप का नेम है शेडो। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और जो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पे एक्टिव शेडो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपने प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको परमिशन दे देनी है। ये ऑफ होगा, आपने इसको ऐसे ऑफ होगा, आपने इसको ऐसे परमिशन दे देनी है। ओके कर देना, फिर ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस, आप मैं बताता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। जैसे कोई भी गाइस, आपका कोई भी दोस्त वगैरह आपसे फ़ोन लेता है, वो कहता है कि यार मुझे 10 मिनट के लिए, या आप कहीं पर जा रहे हो, या वो कह रहा है 10 मिनट का मोबाइल दे दो, मैंने अपनी फेसबुक लॉगिन करनी है, वो फेसबुक चलानी है, या मैंने इंस्टाग्राम लॉगिन करनी है, मैंने इंस्टाग्राम चैनल चलानी है, या मैंने कोई भी मैसेज किसी को टाइप करना है, या मैंने कोई कॉल करनी है किसी को, या कुछ भी करना है कीबोर्ड से करना है ना। जो भी करेगा टाइप करके, जो कुछ भी करना है उसने कीबोर्ड से करेगा। तो गाइस, ये कीबोर्ड इसीलिए। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं अपनी यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे मैं कि यहाँ पे अगर उसने किसी को मैसेज करना हो व्हाट्सएप पे, जैसे मैं उसको कोई मैसेज करता हूँ हाय हेलो का, जैसे मैं कोई भी इसको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। और ओ सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस, आपने सबसे पहले यहाँ से उस कीबोर्ड को एक्टिव कर लेना है। जैसे उस कीबोर्ड का नेम है सिंपल IME, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा, ये कीबोर्ड शो होगा। आपने यहाँ पर वो कुछ भी मैसेज टाइप कर देना है। अगर वो कुछ भी यहाँ पर मैसेज टाइप करेगा, यहाँ पर कुछ भी कोडिंग वगैरह नंबर वगैरह कुछ भी यूज़ करेगा, तो आपने सिंपल, अगर वो यूज़ करने के बाद उसने आपको वापस मोबाइल दे दिया आपके हाथ में, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने वापस उसी एप्लीकेशन में जाना है शेडो में। शेडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू लॉक डीएक्टिवेटेड, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हो जा एक मिनट, तो आपने एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपने लिखना, क्लिक करना है व्यू लॉक पे। व्यू लॉक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ये आपको देखिए बिल्कुल बता रहा है कि फलां बंदे ने इस मतलब फलां तारीख मतलब टाइम या तारीख पे इस मतलब मेरे मोबाइल में हवावे होम है ना मेरे मोबाइल का दाम, तो इसमें उसने ये कुछ टाइप किया। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ उसने टाइप किया है। अगर वो कुछ भी यहाँ पे अगर आपके फेसबुक पे लॉगिन करता है, आईडी लॉगिन करता है, या ये इंस्टाग्राम की आईडी लॉगिन करता है, या कुछ भी टाइप करता है, तो आपको पता चल जाएगा। आप भी बार में पंगे ले सकते हो उसको, उसकी भी आईडी चला सकते हो। यार बस अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चला सकते हो। हाँ फिर ही क्या हुआ, बस अब चला सकते हो। तो गाइज, ये था आज का कमाल ऐप। अगर आपको ऐप अच्छा लगा हुआ तो नहीं ऐप नहीं, अगर आपको वीडियो ज़रा 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 से भी अच्छी लगी हुई ना गाइज, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और शेयर कर देना। सब्सक्राइब लाजमी करना यार, चैनल ग्रो करना चाहिए, अभी न्यू न्यू चैनल है। तो ठीक है।